क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार ही वो माध्यम है, जिस माध्यम से आप जीवन में जो पाना चाहे वो पा सकते हैं। वो विचार ही है, वो उस वस्तु का रूप ले सकती है जो आप जीवन में पाना चाहते हैं, जब उस विचार के साथ जुड़ते हैं। एक निश्चित लक्ष्य और आपकी लगन, लेकिन किसी भी चीज की शुरुआत विचार से ही होती है। बिना विचारे इस दुनिया में कोई काम नहीं होता, और यदि होता भी है तो उसका परिणाम निश्चित नहीं होता कि वह सही होगा या फिर गलत होगा। आप जब भी किसी काम का शुरुआत करते हैं तो आप विचारते हैं कि इस काम को किस योजना के साथ किया जाना चाहिए। अब जितना अच्छा आपका विचार होगा, उतने ही अच्छे तरीके से आप उस काम को कर पाएंगे। इस दुनिया में हर चीज के जन्म की शुरुआत हुई थी एक विचार से। आज आप जितने भी महान और सफल लोगों को देखते हैं, उन्होंने सबसे पहले उस चीज के बारे में विचार किया था। इसलिए विचार की शक्ति के बारे में थोड़ा सोचकर देखिए, उसे पहचानिए, अपने अंदर उसे जगह दीजिए कि आपके विचार ही आपके लिए आपकी वस्तु बनेंगे। आपके विचार जितने अच्छे बनेंगे, ये दुनिया आपके लिए उतनी ही ज्यादा अच्छी बनेगी। कई लोगों का जीवन इसलिए बुरा रहता है क्योंकि उनके विचार में स्पष्टता नहीं होती है, उनके विचार स्वच्छ नहीं होते हैं। उनके विचारों में ईर्ष्या, जलन, भय, क्रोध, इस प्रकार की चीजें होती है जो वो हैं। क्या आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, या फिर बार बार आपका मन इधर उधर भटकता रहता है? आपके मन के भटकाव का एक बहुत बड़ा कारण है आपके विचारों में स्पष्टता का न होना, क्योंकि आपके विचार ही स्पष्ट नहीं है कि आप अपने आप से चाहते क्या है। तो फिर आपको वो चीज मिलेगी कैसे? लेकिन आप एक बिना स्पष्ट विचारों के एक खुले मैदान में सिर्फ दौड़ते चले जा रहे हैं कि कहीं आपको कुछ मिल जाए, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आपके विचार स्पष्ट नहीं हैं। आप अपने विचारों को स्पष्ट कीजिए कि आप अपने आप से चाहते क्या हैं। क्लियर कीजिए, अपने आप को बताइए कि आपको सिर्फ यही चाहिए, और आपका पूरा ध्यान फिर वहीं पर होना चाहिए, ठीक उस लड़की की तरह जिसे पता था कि उसे क्या चाहिए। अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाइए। आपका ज्ञान जितना संकुचित होगा, आपके विचार उतने ही उथले होंगे। इसके अलावा और भी सवाल है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपका सवाल की पूरी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।